यहाँ पे चल रहा है कॉम्पिटिशन, पंजा लड़ाया जा रहा है यहाँ पे। हार गए हमारे आप लोग। क्रिसमस का सामान आ गया है बिलिंग किट के स्टोर पे, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैंने दो पंचर लगवाए, देखो ये फिर पंचर हो गया। भाई क्या हो रहा मेरे साथ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये देखो कील कितनी बड़ी घुस रखी भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है भाई यहाँ पे, बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ खड़ी गाड़ियाँ, वहाँ खड़ी गाड़ियाँ। हाँ जी खुले नहीं। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस। और सुबह के बज गए हैं 10 और मैं निकल चुका हूँ घर से अपनी ड्यूटी के लिए। सबसे पहले मेरे को एक काम है, तो मैं वो काम निपटाऊंगा पहले तो मैं, क्योंकि मेरे को पानी का बिल जमा करना है। तो यहीं से रास्ते से जाते जाते मैं कर दूंगा जमा, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी निकला हूँ। और अभी मैं सबसे पहले तेल डलाना है मेरे को, फिर वहीं से निकलेंगे रिंग रोड से, वहीं पानी का बिल जमा करा देंगे, वहाँ से घूम के अपना स्टोर पे सीधा। चलो भैया पहुँच गए तेल डलाने के लिए, तेल डलाते हैं सबसे पहले। हवा भी चेक करा लूँगा कि वहाँ का बाहर डलवाएं हवा, तो साला 10 रुपये लेते हैं। क्या बोल रहे भाई, मैंने हवा डलाने के लिए कर दिया यहीं पे खड़ी गाड़ी को, क्योंकि कहीं और डलवाऊंगा तो फालतू के 10-12 रुपये ले लेगा वो, 10 रुपये ले लेगा वे फालतू के। पेट्रोल पंप पे फ्री डलती है हवा, पता ही होगा आप लोगों को ना। बोल दिया यार उन्होंने पंचर अब भैया, देखो खुलना नहीं चाहिए डोर, रे जाता हूँ मैं इधर, ओरिजिनल काम करके दू। चलो भैया सुबह सुबह मोहिनी में पंचर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा 2-3 दिन से, कमाई कुछ हो नहीं रही। एक बार ब्रेक लगाओ गाड़ी का, वो भी बड़ा पंचर है, तीसरा तीन पंचर हो गए इसमें लगातार। अब खुलेगा तो नहीं है जल्दी से, स्कूटी से बनाता हूँ एक्टिवा। बस चल रहा है कार्य प्रगति पे। कितना है वैसे, 170 है, काट दो। तो लो भैया बिल मैंने जमा कर दिया यार, ऑनलाइन में इसलिए नहीं करता क्योंकि ये स्लिप ना बहुत काम आती हैं, और बगल में ही है तो क्यों ना खुद से कर दिया जाए ना। तो लो भाई सुबह सुबह मेरे को लगा चूना, जो कि 100 रुपये का चूना लग गया भयंकर, इतनी बड़ी कील घुस रखी थी, इतनी बड़ी कील भयंकर। तो अच्छा हुआ दिखवा लिया, वरना दिक्कत देता बाद में। अब मैंने बिजली का बिल भी, पानी का बिल भी जमा करवा दिया, अब मैं हो गया हूँ फ्री, अब मैं करूँगा काम। और भाई टाइम तो मेरे को बहुत हो गया, मतलब 10:30 बज चुके हैं, और अब मैं जाके स्टार्ट करूँगा, कब मेरा काम होगा कह नहीं सकते भाई, थोड़ा लेट तक ही घिसना पड़ेगा आज। एक तो काम भी नहीं हो रहा ना आजकल काम भी ढंग का नहीं है, सब कुछ खराब ही हो रहा था सिस्टम। तो चलो पहुंचते हैं सबसे पहले स्टोर। तो लो भाई हम पहुंच गए हैं अपने स्टोर पे, और स्टोर पे पहुंच चुके हैं हम। सबसे पहले हम करते हैं गिग बुक। अभी आई रह गया, अभी आया ना मैं लौट। तो लो भैया ये कर दी मैंने गिग्स बुक, कर दी हैं सारी गिग्स। और गाइस पहला ऑर्डर बच चुका है मेरा आज का, और इसको पिक कर दिया है मैंने, कस्टमर की लोकेशन देख ली है, एक तो बिहार में जाना है। चलो इसको उठाते हैं फटाफट। हेलो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो भैया फिर देखो ये मेरा पहला ऑर्डर दिन का आज का, और इसको मैंने कर दिया है ये पिक, ठीक है जी। तो गाइस अभी मैंने दो पंचर लगवाए, देखो ये फिर पंचर हो गया। भाई क्या हो रहा मेरे साथ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये देखो कील कितनी बड़ी घुस रखी, क्या हो रहा है भैया का। सुबह 100 रुपये का चूना लगा, परसों भी 100 रुपये का चूना लगा, अब फिर करवाना पड़ेगा भाई, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। कमाई कुछ हो नहीं रही है, पंचर पे पंचर हो रहे भयंकर की। चलो भैया पंचर लगवाएं पहले, भैया पंचर लग जाएगा क्या।
A few moments later. तो लो भाई निकल गया हूँ सुबह का तीसरा पंचर लगा के, मतलब बोनी एक रुपए भी नहीं हुई है और जेब से 150 रुपए घुस गए मेरे सुबह सुबह। बताओ यार दिमाग खराब भयंकर, बहुत बहुत दिमाग खराब हो गया। 4 पंचर लग गए हैं मेरे इस टायर में और ये टायर ज़्यादा टाइम तक ही चलेगा नहीं, अब नए टायर की वो करनी पड़ेगी तैयारी। तो चलो छोड़ो क्या यार, 1,00,000 रुपए कमाते कमाते 4 बार तो टायर पंचर हो गया। यार छोड़ो पहला ऑर्डर डिलीवर मारते हैं इसको, देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं हमें। 50 रुपए मिले हैं इसके 2.5 के। चलो पहुँचते हैं फटाफट स्टोर दूसरे ऑर्डर की वेट करते हैं वहाँ बैठ के। तो लो भाई दूसरा ऑर्डर बच गया है मेरा, तो बहुत लेट बजा है बोले तो कम से कम 15 मिनट लग गए इसे बजने में। 15 मिनट मैंने वेट किया और 3.5 किलोमीटर लेके जाना है। तो भाई सामान क्या महंगा, पूरा राशन मंगा दिया इन्होंने तो महीने का। और ये लो सबसे पहले तो इसको करते हैं पिक। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक की वीडियो को शेयर करो। चलो भाई पहुंच गया हूँ मैं सेकंड ऑर्डर की लोकेशन पे। और ये लो भैया ये ऑर्डर मार दिया है मैंने डिलीवर, कैश भैया ने ऑनलाइन ही कर दिया था। तो इसके मेरे को मिलते हैं देखो कितने रुपए, 53 रुपए मिले इसके। चलो तो लो भैया तीसरा ऑर्डर बच गया मेरा दिन का और इसको करता हूँ मैं पिकअप। अंडे उंडे हैं ये भाई डाल रहे हैं इसमें। एक सीन हुआ है इस चीते के साथ, ये सुबह सुबह पता नहीं कहाँ मार के आया अपनी एंटोर्क। ये देखो पूरी घिस दी ने यहाँ से, कहाँ है ये पूरा स्क्रैचेस लग रखे हैं यहाँ पे, लाइट पूरी हिल गई है। देखो भैया गाड़ी आराम से चलाओ मैं। ओके भैया थैंक यू। चलो भाई मैंने छोड़ दिया है ये ऑर्डर और इसको मारता हूँ मैं डिलीवर्ड। देखो इसके कुछ मेरे को मिलते हैं, खुल जाए यार, एक तो बहुत लेट खुलता है यार ये, पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी। ये देखो चलो वहीं दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। 47, 53, 50 रुपीज़ तीनों ऑर्डर मान लो 50-50 रुपए के तीनों ऑर्डर लगे हैं ये। और जो 150 रुपए का मेरा पंचर लगा है ना आज, वो अब जाके वसूल हुआ मेरा और भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम सड़क के मज़े लो। ये देखो अपने देहरादून की सड़क देखो और ये बिल्डिंग्स देखो, क्या मस्त मस्त बिल्डिंगें बन गई यहाँ पे। ओके थैंक यू, ये लीजिए। ओके मोस्ट वेलकम। $4.97 3 रुपये खुले तो नहीं होंगे मैम। ओके 32 रुपये मात्र, 1.2 किलोमीटर था, इतना घुमा के लाना पड़ा ना मेरे को, ट्रैफिक इतना हो रहा है। हम हाँ जी खुले नहीं होंगे मैम आपके पास, एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके तो गाइस टाइम देख रहे हो, 5:30 हो गए हैं। काम मैं दिखाऊंगा आपको कितना हो गया भाई, बिल्कुल ख़त्म हो रखा काम। बस अभी शाम को थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो आया था बोले तो, 1 घंटे पहले ऑर्डर फ्लो आया था थोड़ा, जो 1 घंटे के अंदर 3 ऑर्डर बजे मेरे। अदरवाइज़ तो भैया काम बहुत ज़्यादा बुरा था। तो आ रहे हैं वो भी पैसे पेमेंट करने, 1761 रुपये की पेमेंट है। चेक कर लो एक बार, हाँ 6 आइटम है टोटल पूरे। ओके तो गाइस मैंने मार दिया है डिलीवर, दे दिया है भैया को और अब दिखाता हूँ मैं आपको कितने रुपए मिलते हैं इसके मेरे को और फिर कितना टोटल होता है मेरा अमाउंट। 45 रुपये मिले 2.3 किलोमीटर के। और अपडेट नहीं हुआ क्या, कमाई हुई नहीं थी कुछ भी। ये देखो 480 रुपये का काम हो रखा है 6 घंटे में, अब खुद लगा लो कि काम कितना ख़त्म हो चुका है। 1 hour later.
तो गाइस टाइम देखो कितना हो गया है, शाम के 7:44 हो गए हैं, 8 बजने वाला है। और अर्निंग में दिखा देता हूँ आपको भाई, कुछ भी अर्निंग नहीं हो पा रही है आजकल ना। ये देखो 8.5 घंटे होने वाले हैं मेरे को और 677 रुपये का काम हुआ है। बोले तो बस 700 वाला ताला तोड़ के मैं घर ही चला जाऊँगा, क्योंकि 900 वाला तोड़ते तोड़ते 10 बज जाएंगे भाई। ठंड हो रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है, इतना आसान नहीं हो पा रहा है पैसा कमाना, क्योंकि पैसे तो दे ही नहीं रहा है। ये देखो थोड़ी सी दिक्कत तो झेलनी पड़ रही है। अगर 5 ऑर्डर भी, देखो ऑर्डर भी नहीं है ना, ऑर्डर भी हो तो भाई बंदा कोशिश करेगा ऑर्डर मानने की, काम है ही नहीं क्या ही करें। तो बस वेट करते हैं एक ऑर्डर का और फिर निकलेंगे घर अपने। ऑर्डर है आपका? ₹206। हाँ जी ₹206। कोई दिक्कत नहीं है, जुकाम लग गया मेरे को, ठंड इतनी हो रही है ना। ये देखो इसे डिलीवर मारता हूँ मैं। इसमें 29 रुपये मिलने चाहिए मेरे को, अगर नहीं मिले तो फिर भाई एक ऑर्डर का वेट और करना पड़ेगा। हो गया 31 रुपये मिले हैं गाइस इसमें मेरे को। और ये देखो ताला मेरा टूट गया है, 702 रुपये का काम हो गया है। और कितने घंटे में? 8:40 में 709 रुपये का काम हुआ है, प्लस 100 रुपये, मतलब 8 घंटे में 800 रुपये का काम। अब लगा लो काम डाउन हो रखा है थोड़ा ब्लिंकिट में, ये हफ्ता तो पूरा ही डाउन था। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ यार, देखो अंधेरा हो गया है, रात हो गई है और ठंड ज़्यादा हो रही है। अगर मैं अब तोड़ने बैठूँगा ना ताला, तो 10 बजे तक ताला टूटेगा मेरा, 900 वाला तोड़ने को तोड़ दूंगा। पर भैया देखो 100-150 रुपये के लिए अगर छाती में हवा घुस गई ना ठंडी, 100-200 की जगह ना मोटा पैसा लग जाएगा, तबीयत ख़राब हो गई ना। बस ये है कि भाई ये कि कोशिश ये करूँगा कि सुबह जल्दी आने की कोशिश करूँगा यार, मैं देखता हूँ सुबह यार नहीं उठा जा रहा ना, बस दिक्कत ये हो रही है। भूल गया मैं आपको कि मेरा तेल कितना लगा था। तो गाइस मेरा तेल लगा है, ₹200 का। और मैं ये भी बताना भूल गया कि गाड़ी कितनी चली मेरी ना, रुको ढंग से बता ही दूँ, रुक के एक मिनट। ये देखो मेरी गाड़ी चली है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का डबल कर लो बस, 6 6 12 बोले तो 62 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। 62 किलोमीटर में मेरा काम इतना हो गया, मैंने 62 किलोमीटर के हिसाब से तो यार काम अच्छा हो गया है, पर घंटे ज़्यादा हो गए हैं, गाड़ी कम चली है और तेल इसलिए ज़्यादा लगा है क्योंकि आज ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ज़्यादा तेल लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और गाइस मिलेंगे आपको सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, हम कभी भी आ सकते हैं ड्यूटी के लिए, तो तैयार रहना कल के ब्लॉग के लिए। कल का ब्लॉग तुम्हारा भाई फाड़ू लेके आने वाला है, क्योंकि कुछ नया लेके आऊँगा कल मैं, क्योंकि कल संडे है तो भैया अर्निंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए अगर मैं जल्दी उठ गया। ठीक है तो मिलते फिर कल आपको सुबह सुबह। ओके बाय।